Assalamu alaikum, students. In this video, we'll learn about the cell structure and their functions. We are studying the course Introduction to Biochemistry, and this is the second lecture um, according to the course outline which I'm going to teach you. So, in this lecture, we are going to learn about the following key concepts we learn about the cells, cells and their types um, then prokaryotes their anatomies eukaryotes and their anatomies so first of all what are the cells and what are their different types as you all know that life is based on small morphological units known as cells so cells बॉडी के सबसे छोटे यूनिट्स हैं जिनके ऊपर लाइफ बेस करती है एंड देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स नंबर वन द यू एंड नंबर टू द प्रोकैरियोट्स। यू यू मीन्स गुड एंड कैरियॉन मींस कर्नल और नट इसका मतलब है कि वो वाले सेल्स जिनके इर्द गिर्द एक कवरिंग हो एक वो नट जो है वो कर्नल उसकी जिल्ली को कहते हैं या उसकी लेयर को कहते हैं जो नट्स के इर्द गिर्द होता है तो इसका मतलब है कि जिनका न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन या एक जिल्ली के अंदर बंद हो उसको उन वो यू हैं while the prokaryotes they lack a membrane enclosed nucleus prokaryotes may nucleus membrane may enclosed nahi hota inka jo nucleus hai wo open type hota hai. that is not called a nucleus because it does not have a membrane around it first we move on to prokaryotes Prokaryotes comprise certain types of bacteria and they have relatively simple structures and they are unicellular organisms. Unicellular means ki are cell. prokaryotes and in bacteria They are estimated to represent about half of Earth's biomass. This half of बायोमास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मास को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं आ, अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं बहुत अबंडेंटली हर जगह पे पाए जाते हैं इवन आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मिलियंस के हिसाब से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और प्रोकैरियोट्स आर द मोस्ट न्यूमरस एंड वाइड स्प्रेड ऑर्गनिजम्स ऑन अर्थ दिस इज बिकॉज़ दे आर वेरीड इन ऑफन हाइली अडैप्टेबल मेटाबॉलिजम्स सूट देम

नॉर्मल जो एरोबिक एनवायरनमेंट्स में जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है इसके अलावा बैक्टीरिया बहुत सी जगहों पे पाए जा सकते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दे मे इवन लिव इन हॉस्टाइल कंडीशंस टू यूक्रिय हॉस्टाइल का मतलब है कि जहाँ पर ना रह सकें जो अनफ्रेंडली हो ऐसे इन्वायरमेंट्स में भी बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं फॉर एग्जाम्पल हाई टेंपरेचर As high as 130 degrees centigrade, and lack of oxygen, they can even live in in the environment without oxygen. Or, itske lawan inko ek aur advantage hai, jiski wajah se ye favorable aur bozor zada dar their reproductive rate is very rapid. They take around 20 minutes for uh, dividing per cell, so one bacterium can make two bacteria in. रफली ट्वेंटी मिनट्स तो इतनी ज्यादा इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है इस वजह से ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं नेक्स्ट वे मूव ऑन टू दीज ऑफ प्रो कैरियॉर्ट्स वी विल सी हाउ प्रो क्रियाड्स आर मेड सो इफ वी लुक एट देअर साइजेज दे मोस्टली रेंज फ्रॉम वन टू टेन माइक्रोमीटर

वो रॉड लाइक -like हैं आप ये बैसिलस को देख सकते हैं ये रॉड लाइक -like इसकी जो मैट शक्ल है और स्फेरिकल जो है कैन सी द दे आर स्फेरिकल बैक्टीरिया तो ये इनकी डिफरेंट अनेटमीज हैं इन शेप्स के अंदर ये पाए जाते हैं और ये इनका साइज जो है वन से टेन माइक्रोमीटर की रेंज में होता है सो दे हैव द सेम जनरल डिजाइन दिस इज पिक्चर ऑफ जनरल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम इनके अंदर मोर और लेस सिमिलर जो ऑर्गेनाइज़ होती हैं और इनका जो डिजाइन है वो सिमिलर होता है बाकी इनकी शेप्स जो हैं वो रॉड लाइक या राउंड या डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन बेसिक असेंबली एक जैसी होती है तो इसमें अगर हम देखें तो इनकी ये जो प्रोट्रोजन लाइक लंबी लंबी ये बालों की तरह की चीजें हैं इनको फ्लैजेला कहते हैं ये मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं इसी तरह इनके अंदर न्यूक्लियोइड होता है न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता और पायली मीजोजोम सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन राइबोसोम ये सारे ऑर्गेनाइज होते हैं इनकी डिटेल्स को हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं So they are bounded as are all cells by an almost 70 angstrom thick cell membrane, which is also called the plasma membrane. ये इनके इर्द-गिर्द जो membrane होती है उसको plasma membrane कहते हैं and आम uh, um, organisms की तरह इसमें भी lipid bilayer होती है एक dual layer होती है lipids की जिसके अंदर proteins होती हैं जो कि molecules के passage को control करती हैं कौन सा मलिक्यूल अंदर आ सकता है सेल की और कौन सा नहीं आ सकता और इसके अलावा वो प्रोटीन्स एज एंजाइम्स भी एक्ट करती हैं बहुत सारे जो सेल्स हैं प्रोक्रियॉर्ड्स के उनमें एक थिक पोलीसेकर की सेल वॉल भी होती है जो कि सेल को इंजरी से बचा, बचाती है मोस्ट प्रोक्रियॉर्ड्स दे लैक डिफरेंट ऑर्गेनिज लाइक द वंस इन द कर लेकिन कुछ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग्स ही बनी होती हैं जिनको मीजोजोम्स कहते हैं यहाँ पे आप बॉटम uh, में ये पिक्चर के अंदर देख सकते हैं ये मीजोजोम्स आपको नजर आ रहे होंगे ये इस तरह की फोल्डिंग्स ही बनी हुई होती है इनके अंदर uh, इन्हीं की ब्रेन की तो उनको मीजोजोम्स कहते हैं और क्या करते हैं? जो प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म है दैट इज बाय नो मीन अ होमोजेनस सूप मतलब ये बिल्कुल एक जैसा होमोजेनस किस्म का सूप नहीं होता इसके अंदर डिफरेंट uh, uh, चीजें हैं फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम होता है जिसको जो फॉर्म में होता है जिसके अंदर डीएनए मटेरियल होता है इसका, तो उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं अगर इसके membrane होती तो फिर हम इसको न्यूक्लियस कहते हैं और द राइबोन्यूक्लिक एसिड वैरायटी ऑफ सॉल्युबल एंजाइम्स Enzyme mean different proteins that catalyze specific reactions, and many thousands of uh, ribosomes, which are the sites of protein synthesis. These ribosomes range in the their diameter is uh, around 250 angstrom. Achha, many uh, bacterial cells also possess a whip-like appendage known as flagella. So here you can see these flagella. ये मूवमेंट के लिए यूज होते हैं और इसके अलावा दे ऑल्सो हैव स्मॉल फिलाेंटस प्रोजेक्शंस दे आर कॉल्ड पायली ये आप देख सकते हैं पायली बेसिकली ये अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं किसी ऑर्गेनिजम सेल के ऊपर ये जो बैक्टीरियल सेल अटैच होता है तो इट अटैच इज यूजिंग दीज पायली ये एस्ट्रीशिया कोलाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल्स सो वी ऑल्सोट इट एज ई कोलाई इट इज द बायोलॉजिकली मोस्ट वेल करेक्टराइज रिजल्ट ऑफ इट्स इंटेंसिव बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडी ओवर द पास्ट सेवेंटी ईयर्स इसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होने की वजह से तो इसकी हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छी करैक्टराइजेशन मौजूद है तो इसके जो सेल्स हैं वो ममेलियन um, कॉलोन्स के अंदर रहते हैं और रॉड लाइक शेप के होते हैं और इसका जो डीएनए है उसकी मॉलिकुलर मैच 2.5 पावर नाइन डाल होती है सो इकोलाई कंटेन्स थ्री टू सिक्स थाउजेंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स including proteins, nucleic acids, polysaccharides, lipids, and various small molecules and ions. अब आप देखें कि ई कोलाई के अंदर तीन से छ हजार तक डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं इतना मतलब एक सेल का ऑर्गेनिजम है लेकिन इसके अंदर इतने डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कि इसकी मशीनरी को चला रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपको जो इमेज है ए इसमें इसमेंटैंड का सेल आपको नजर आ रहा है जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है और जो फिगर बी है इसके अंदर uh, वगैरह उसके क्लियर और पायली नजर आ रहे हैं ये, ये आपको इकोलाई e का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है नेक्स्ट वी मूव ऑन टू यू eukaryotic cells are generally, they are bigger cells, they are 10 to 100 micrometers in diameter, and uh, thus they may be compared to the typical prokaryotes as they have a thousand to a million times the volume of a prokaryote. actually, it is not the size, but an abundance of membrane-enclosed organelles, each within a specialized function that best characterizes eukaryotic cells. हम यू कैरिया और प्रो क्रियाट को साइज की बेस पे नहीं वो डिफर करेंगे कि जो इसका साइज बड़ा है तो ये यू कैरियॉर्ट है और उसका साइज छोटा तो वो प्रो ग्रियार्ट है ऐसी बात नहीं है एक्चुअली डिफरेंट जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज हैं मतलब क्लोज्ड ऑर्गेलीजा प्रोग में नहीं होती हैं और यू में होती हैं वो एक्चुअल करेक्टराइजेशन है जो कि इनको डिफ्रेंशिएट करती हैं तो

सेल मेम्ब्रेन है और फिर सेंटर में एक आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है फिर उसकी आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है फिर उसके अंदर एक स्मॉल बॉडी है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल भी है उसके अंदर दैट इज जेनेटिक मटेरियल फिर आपको राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है स्मूथ और रफ दोनों प्लाइजोसोम गोल्जी बॉडीज सेंट्रियोल एंड अवैक्यूल So we are going to study these organelles in details in, in the next slides. So if we compare the eukaryotes and prokaryotes, they have developed according to fundamentally different evolutionary strategies. Prokaryotes advantage they have exploited the advantage of simplicity and miniaturization. एक तो सिंपल उनके सेल्स हैं बहुत सिंपल उनमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनालिज नहीं है और दूसरे वो मिनिएचराइजेशन जो बहुत छोटे हैं और उनके जो रैपिड ग्रोथ रेट्स हैं वो इसलिए हर तरह के इको के अंदर कोई बहुत थोड़ा सा अवेलेबल न्यूट्रिय होगा तो वहाँ पर भी वो जिंदा रह लेते हैं तो ये उनको एडवांटेज है तो वो इस हिसाब से उनका जो एवोल्यूशनरी सिस्टम है वो चलता है इन कंट्रास्ट अगर हम यू क्रियॉर्स को देखें तो दे आर कॉम्प्लेक्स लार्जर दे आर स्लोली स्टेबल इनवास के अंदर रह सकते हैं uh, so, इसलिए अगर आप कंसिडर uh, करें इट इज एरोस टू कंसिडर प्रो क्रिय एज एवोल्यूशनरी प्रिमेटिव विद रेस्पेक्ट टू यू क्रियॉर्ड वो जो प्रोक्रियार्ट्स हैं वो बहुत ओल्ड एजेस से अपना उनका अलग जो है वो सिस्टम और एवोल्यूशन है आ, और दोनों जो प्रोक्रियार्ट्स और यू हैं वो अपने अपने लाइफ स्टाइल को प्रॉपरली सूट करते हैं मतलब दोनों की अपनी अपनी अफादियत है और अपना अपना उनके जो काम हैं उस हिसाब से वो उनका लाइफ है अगर हम यूक्रियाटिक सेल को देखें इस आर्किटेक्चर लाइक प्रोकैरियोट्स इट इज बाउंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बाहर भी एक सेल मेम्ब्रेन होती है और इनके जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है ये मच स्मॉलर हैं देन दोस ऑफ प्रोकैरियोट्स क्योंकि इनका वॉल्यूम जो है वो और इनकी ओवरऑल सरफेस देखा जाए तो सरफेस एरिया इनका कम बचता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनलीज हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज हैं तो जो प्रोक्रियाड उसके अंदर कोई ऑर्गेना नहीं है तो उसको एज अ होल हम उसका सरफेस एरिया कंसिडर करते हैं इसलिए उसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा लार्जर है और यूक्रिया सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस या जो सेल मेम्ब्रेन है इसके कुछ पोर्शन दे बर्ड इनवर्ड। इसका मतलब है कि वो अंदर की तरफ छोटा सा बड बनाते हैं जिस तरह मीजोजोम था उसके अंदर प्रोक्रियॉर्ड के अंदर तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं इसमें क्या कर, करता है सेल बेसिकली के कोई बाहर से अंदर जो है मटेरियल लेके आना है सेल के तो वो थ्रू एंडोसाइटोसिस भी उसको सेल के अंदर लेके आ सकता है और इसी तरह देखें ये ऊपर जो लिखा था यूक्रिक सेल्स कैन पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया

इट इज अ कॉमन यूक्रियोटिक सिक्रेटरी मैकेनिज्म इसके थ्रू डिफरेंट uh, जो मटेरियल्स हैं उनकी सीक्रीशन या एक्सक्रीशन uh, होती है सेल से सेल से बाहर निकाला जाता है मुख्तलिफ चीजों को नेक्स्ट वी मूव ऑन टू यूक्रियोटिक सेल न्यूक्लियस न्यूक्लियस को अगर देखें तो दिस इज द यूक्रियाटिक सेल्स मोस्ट कॉन्स्पिकुअस ऑर्गेनली इट इज द रिपोजिटरी ऑफ इट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि वरासती इंफॉर्मेशन है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है जिसकी बेस पे एक सेल एक से दो में तकसीम होता है या कन्वर्ट होता है तो उसका सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है यूक्रियाटिक सेल की तो ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज बेसिकली इनकोडेड इन सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स ये एक्चुअली डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर होती है इंफॉर्मेशन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एंड दे फॉर्म द डिस्ट्रिट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच स्पीशीज डीएनए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो इस तरह आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट पोर्स होते हैं दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स ये आपको इस फिगर में यहाँ पे न्यूक्लियस की डायग्राम है यहाँ पे अच्छी तरह से नजर आ रहा है न्यूक्लियस के गिर्द एक उसकी अपनी मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं और उसके सेंटर में एक राउंड बॉडी है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं क्रोमोसोम जिनमें डीएनए होता है दे कंसिस्ट ऑफ क्रोम That is a complex of DNA and protein. so the, the amount of genetic information carried by eukaryotes is enormous. Genetic information, jo hoti hai, eukaryotes is very For example, if you take one human cell that has over 700 times the DNA of E. coli. If uh, computer memories ki terms mein dekhe, the human cell, ke andar, जो एक e. है उसकी निस्बत सात सौ गुना ज्यादा डी एन ए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है तो अगर आप देखें को, देखेंटिकल एट हंड्रेड मेगाबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि एक सेल के जीनोम में तकरीबन 800 सौ एम बी तक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है अगर आप उसको कंप्यूटर मेमोरी की टर्म में कंसिडर करें या कन्वर्ट करें तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपके पास अगर रफली वन थाउजेंड की बुक हो तो उसको हम रफली थर्टी टू थर्टी फाइव एम बी के अंदर स्टोर कर सकते हैं उसकी एक पी डी एफ फाइल बना सकते हैं तो यू कैन कंपेयर के एट हंड्रेड मेगाबाइट्स के करीब इंफॉर्मेशन एक जीनोम के अंदर स्टोर होती है तो हाउ ए अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आर ह्यूमन सेल कंटेंस विदिनियसनेटिकमेशन इनको मॉलिक्यूल किया जाता है जो के बाद में प्रोटीन सेंसिस के काम आता है बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल से साइडोप्लाज में न्यूक्लियस से बाहर साइडोप्लाज में ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहां पे वो राइबोसोम के पास जाके तो प्रोटीन सेंसिस करता है राइबोसोम्स एक्चुअली प्रोटीन करते हैं, लेकिन कौन सी प्रोटीन बनानी है ये उनको आर एन ए से पता चलता है जो कि डी एन ए में से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा होता है तो न्यूक्लियर के अंदर जो पोर्स होते हैं 90 एंगस्ट्रॉम वाइट पोर्स होते हैं वो उनका क्या काम है कि ये आर एन ए जो के न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है उसको वहां से बाहर निकाला जा सके इन पोर्स के थ्रू और साइटोप्लाज्म में उसको भेजा जा सके बहुत सारी जो यूक्रियाटिक सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस उसके अंदर एक डार्क स्टैंडिंग बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं न्यूक्लियोलस में बेसिकली राइबोसोम बनते हैं राइबोसोमल असेंबली होती है और इसके अंदर मल्टीपल कॉपीज होती हैं उन जीन्स की जो कि राइबोसोमल आरएनए को स्पेसिफाई करते हैं या उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो ये न्यूक्लियोलस के अंदर ट्रांसक्राइब होते हैं और जो रिजल्टिंग आरएनए है वो राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलके तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि वहां से इंपोर्ट किए गए होते हैं साइटोसोल से द रिजल्टिंग इमैच्योर राइबोसोम्स आर देन एक्सपोर्टेड टू द साइटोसोल वेयर देर असेंबली इज कंप्लीटेड तो यहां पे ये जो अभी इमैच्योर राइबोसोम्स हैं कंप्लीट सिंथेसिस इनकी नहीं होती ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए के बाद इनको साइटोसोल के अंदर भेज दिया जाता है यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर और वहां पे इनकी असेंबली कंप्लीट होती है तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है दैट एक्चुअली अकर्स इन द साइटोसोल और द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटर्स की तरफ द मोस्ट एक्सटेंसिव मेंब्रेन इन द सेल व्हिच वाज डिस्कवर्ड इन 1945

रफ तो जो होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं लगे हुए जिनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो इसी वजह से उसकी अपीयरेंस रफ नजर आती है उसको रफ कहते हैं और स्मूथ वाला जो है वो आप राइट हैंड साइड वाली फिगर में देख सकते हैं तो उसकी जो ओवरऑल अपीयरेंस है दैट इज स्मूथ स्मूथ एडोप्लाजमिक रेडिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे होते यहां पे लिपिड्स की सिंथेसिस होती है रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हो जाती है तो उनको गॉलजी ऑपरेटस में भेजा जाता है जो कि इसी तरह की देट इज अटैक ऑफ फ्लैट एंड मेम्रेन मेम्रेनस सेक्स और उनके अंदर ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोटीन्स हैं और लिप्ड्स हैं इनकी फिनिशिंग होती है और फर्दर प्रोसेसिंग होती है नेक्स्ट आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज है सेल की सो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन ऑलमोस्ट ऑल यूक्रिया तकरीबन सारे यूक्रिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल की रेस्पिरेशन के काम आते हैं यानी कि जो ऑक्सीडेशन uh, रिएक्शन होते हैं ऑक्सीजन के साथ जो एनर्जी गेन की जाती है फूड में से वो काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और ये ऑर्गेनाइज जो हैं इनका साइज और शेप जो है ये खास होते हैं ये अमूमन एलिप्सॉइडल शेप के होते हैं और इनकी डायमेंशन जो है वन बाई टू माइक्रोमीटर होती हैं अब एक आम बैक्टीरियल सेल की तरह मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिजेंबल टू बैक्टीरियल सेल एंड A eukaryotic cell typically contains around 2,000 तो हिस्सा जो है माइट्रोकॉन्ड्रियन uh, को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से uh, जब स्टडी किया गया तो उससे पता चला कि इट हैज टू मेमब्रेन अ स्मूथ आउटर मेमब्रेन एंड अ हाईली फोल्डेड इनर मेमब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन है जिसके बहुत सारे फोल्ड्स बने हुए होते हैं उन फोल्ड्स या इनमेजिनेशन को क्रिस्टी कहते हैं एक को क्रिस्टा कहेंगे और प्लूरल क्रिस्टी दस दाइट्रोकॉन माइट्रोकॉन्ड्रीन कंटेंट टू कंपार्टमेंट इसके भी दो कंपार्टमेंट हो गए द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो मेमब्रेन के दरम्यान स्पेस होती है एंड द इंटरनल मैट्रिक्स स्पेस और जो ओवरऑल सेंटर में इसकी स्पेस होती है उसको इंटरनल मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं the enzymes that catalyze the reactions of respiration are components of either the gel like matrix or the inner mitochondrial membrane jo enzymes actually uh, respiration ke kaam aate hain ya un reactions ko catalyze karte hain वो या तो matrix के अंदर होते हैं या inner जो membrane होती है वहां पे पाए जाते हैं और ये एंजाइम जो हैं ये क्या करते हैं दे कपल द एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द एनर्जी रिक्वायरिंग सिंथेसिस ऑफ एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्हिच इज कॉल्ड एटीपी ये एंजाइम बड़े इंपॉर्टेंट है देखें कि ये आ, दो तरह के प्रोसेसेस कर रहे हैं ये ऐसे प्रोसेस भी कर रहे हैं जिनके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फॉर एग्जाम्पल जो न्यूट्रियस हैं उनकी ऑक्सीडेशन करके और ये दूसरा ऐसा प्रोसेस भी कर रहे हैं जिनमें एनर्जी कंज्यूम होती है यानी कि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सिंथेसिस भी कर रहे हैं तो उस सेंसिस के दौरान एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि इस्तेमाल होती है तो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ये आपको पता है कि एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअली एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बायो में मुख्तलफ बॉडी के पार्ट्स मसल्स के अंदर यूज होते हैं जिसकी वजह से हम मूवमेंट वगैरह करते हैं एंड एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट आफ्टर एक्सपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द सेल फ्यूल्स इट्स वेरियस एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस ठीक हो गया जो एटीपी है वो सेल के अंदर यहां से बन के एक्सपोर्ट हो जाता है और फिर डिफरेंट जो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस हैं वहां पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अब आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है माइटोकॉन्ड्रिया आर बैक्टीरिया लाइक इन मोर देन साइज एंड शेप

कि एक और बड़ी खास चीज है आपको पता है कि बैक्टीरिया भी बाइनरी फेशन से रिप्रोड्यूस होते हैं माइक्रोकॉनरिया भी बाइनरी फेशन से रिप्रोड्यूस होते हैं एंड द रेस्पिरेटरी प्रोसेस दे मेडिटेट बी रिमार्केबल रिजेंबलेंस टू ऑफ मॉडर्न एरोबिक बैक्टीरिया अगर आप एरोबिक बैक्टीरिया को देखें जो मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जिंदा रहते हैं तो जो माइक्रोकॉनरिया है उसका सारा जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो एरोबिक बैक्टीरिया से मिलता जुलता है

तो जो रेस्परेशन का काम है यूक्रेटिक सेल का वो करके देते थे एंड देन लेटर तो ये जो पीछे हमने ऑब्जर्वेशन देखी है कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी तरह होते हैं इनकी शेप्स एक जैसी हैं इनके अंदर अपना डीएनए आर एन जिस तरह होता है तो ये चीजें इस एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव को सपोर्ट करती हैं कि माइटोकॉन्ड्रियन जो था दैट वाज एक्चुअली अ बैक्टीरियम इंपोर्टेड इनटू द सेल फ्रॉम दैट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप सो ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस uh, कर ली अभी आप माइटोकॉन्ड्रियन की अगर आप शेप देखें ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं तो इसमें uh, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अमीबा है एक पोलीमिक्सा पलोस्ट्रिस पिलोमिक्सा पलोस्ट्रिस इसको अगर आप देखें तो ये ऐसा यूक्रियाटिक सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और ये आ, एन एरोबिक बैक्टीरिया के साथ एक ऐसे ही सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में अभी भी रहता है तो इस चीज को देख के तो ये जो हाइपोथेसिस है ये और ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ कि यूक्रियाट्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया दैट वाज ओरिजिनली अ बैक्टीरियम नेक्स्ट आते हैं लाइसोसोम्स की तरफ लाइसोसोम्स क्या हैं दे आर ऑर्गेनेलीज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड दे आर ऑफ वेरिएबल साइजेस एंड मॉर्फोलॉजी एंड जो इनका डायमीटर रेंज है वो ज्यादातर 0.1 से 0.8 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है और uh, ये बेसिकली मेम्ब्रेनस बैग्स हैं

एंड uh, ये भी कहा जाता है कि प्रोक्सीसोम ये महफूज करते हैं क्योंकि ये H2O2 को ब्रेक डाउन कर देते हैं वाटर ऑक्सीजन के अंदर एंड सर्टेन प्लांट्स, अब देखें प्लांट्स के अंदर दे कंटेन स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोक्सीसोम ये वो रिएक्शन uh, करता है जिन जो ग्लायक्सीट पाथवे के अंदर होते हैं इसलिए उनको ग्लायक्सिस भी कहते हैं नेक्स्ट आता है जी साइटोसोल द साइटोप्लाज्म साइटोसोल फार फ्रॉम बीइंग अ होमोजेनस सॉल्यूशन इज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड जेल दैट कैन वेरी सिग्निफिकेंटली इन इट्स कंपोजिशन थ्रू आउट द सेल साइटोसोल जो होता है वो बेसिकली एक होमोजल सोल्यूशन नहीं होता बल्कि वो एक बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का जेल होता है जिसके अंदर कॉम्पोजिशन जिसकी सेल के अंदर डिफरेंट होती है इसकी एक जैसी कॉम्पोजिशन नहीं होती इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं Uh, for example, uh, it has a cytoskeleton which is an extensive array of filaments that gives the cell its shape and the ability to move and it is responsible for the arrangement and internal motion of its organelles. Cytoskeleton है basically ये micro -tube, जो filaments हैं, उनका एक पूरा array है, एक network है जो कि cell को इसकी shape भी देता है, उसकी movement में भी help करता है और जो अंदर organelles हैं, उनको move करने में भी help करता है। इसके अलावा द मोस्ट साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स, द कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन जो माइक्रो लंबी ट्यूब्स -लंबी हैं जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी हुई होती हैं, ये भी साइटोसोल के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट फिगर्स देख सकते हैं जिनके अंदर आप फिगर ए के अंदर आपको ट्यूब्यूलिन नजर आ रहा है फिगर बी में आपको एक्टिन नजर आ रही है ये भी प्रोटीन है। फिगर सी में नजर नजर आ आ रही है। and figure D में आ रही है, है, में ये जो के अंदर फ्रेमवर्क और नेटवर्क बना हुआ होता है डिफरेंट चीजों का ये उनके इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ हैं। साइटोस्केलेटन फॉर्म दिसपोटिवि फ्रेमवर्क दैट गाइड्स द मूवमेंट्स ऑफ ऑर्गेलिज विद इन अ सेल फॉर माइटोटिक स्पिंडल इज एन असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड दैट प्रोटीनिपेट्स इन द सेपरेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन माइटोटिक स्पिंडल वो असेंबली है माइक्रोट्यूब्यूल्स की और प्रोटीन्स की जो कि जब सेल की डिवीजन होती है जब एक से दो सेल बनते हैं तो जो क्रोमोसोम रेप्लीकेट होते हैं या एक से दो बनते हैं तो उनकी सेपरेशन में ये माइक्रोटिक्स मिंडल हेल्प करता है इसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर मेजर कॉन्स्टिटुएंट ऑफ सीलिया देलाइए एक्सटेंडिंग फ्रॉम मेनी सेल्स हुज विप लाइक मोशंस मूव द सराउंडिंग फ्लूइड पास द सेल और प्रोपेल सिंगल सेल्स थ्रू सोल्यूशन ये बेसिकली सीलिया बनाते हैं जो कि सेल को मूव करने के काम आते हैं या सेल के इर्द गिर्द जो सोल्यूशन होता है उसको हटाने के काम आते हैं Now, if we look at the plant cell, they have a different they have certain differences from the animal cell. Uh, they are enclosed by a rigid cell wall. Plants make extra cheese hoti hai, cell membrane ke bahir, jo ke cell wall hoti hai. And plant cell uh, contain the uh, rigid cell wall which lies outside the plasma membrane. Jo cell walls uh, in the major component. Kya hai? फाइब्रस पोलिसक्राइड होती है एनिमल्स में चूंकि ये नहीं होती तो एनिमल्स की बॉडी सॉफ्ट होती है प्लांट्स की हार्ड होती है बिकॉज दे हैव सेलोलूज इन देयर सेल वॉल ये टिपिकल आ, प्लांट सेल की डायग्राम आप देख सकते हैं इसमें आप न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल ये जो आउटर देखें ये इसकी कवरिंग है ये सेल वॉल है ये एक थिक वॉल है जो कि इसको प्रोटेक्ट भी करती है और उसको स्ट्रेंथन भी करती है इसके अलावा उनके अंदर जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर ये लार्ज साइज का वैक्यूल होता है एनिमल सेल में छोटे एक से ज्यादा वैक्यूल हो सकते हैं प्लांट सेल के अंदर एक बड़े साइज का वैक्यूल होता है इस चीज को भी आगे आप डिस्कस करते हैं

जो उनका स्टेम है उसको कैसे खड़ा रखते हैं उनका वैक्यूल उसके अंदर वाटर प्रेशर से बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो रिजिड हो जाता है और वो प्लांट अपनी जो शेप है उसको उसकी वजह से बरकरार रख पाते हैं नेक्स्ट है जी क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल्स ये भी एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होते इनका काम क्या है फोटोसिंथेसिस करना जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है एंड इट इज एक्चुअली जनरली सेवरल टाइम्स लार्जर देन अ माइटोकॉन्ड्रियन ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियन की तरह की मशीनरी है लेकिन काफी उससे साइज में बड़ी है और इट आल्सो हैज एन इनर एंड एन आउटर मेम्ब्रेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन की स्पेस होती है जो मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस है उसको स्ट्रोमा कहते हैं इट इज सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इट कंटेन मेनी सॉल्युबल एंजाइम्स इसी तरह जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है दे, वो माइटोकॉन्ड्रिया uh, की तरह फोल्डिंग्स में नहीं कन्वर्ट होती वो क्रिस्टी नहीं बनाती बल्कि वो जो स्ट्रोमा है इट एनक्लोजेस अ थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम दैट फॉर्म्स -like इंटरकोनेक्टेड -like स्टैक्सिलोटोसिंथेटिकॉइड क्या करता है इट यूजेज क्लोरोफिल ट्रैप्ड लाइट एनर्जी टू जनरेट एटीपी ये जो क्लोरोफिल है ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको यूज करके ए टीपी बनाते हैं जो कि डिफरेंट बायोसिंथेटिक रिएक्शन के, uh, के दरमियान दौरान इस्तेमाल होती है और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उस एनर्जी को यूज करके इसी तरह जिस तरह माइटोकॉन्टेट के अंदर अपना डीएनए और आरएनए होता है इस तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना डीएनए आरएनए और राइबोसोम्स होते हैं और ये भी ये फिशन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं अगर आप अपरेंटली क्लोरोप्लास्ट मच लाइक माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम एन एंशिएंट साइनोबैक्टीरियम दैट टुक अप सिम्बायोटिक रेजिडेंस इन एन एंसेस्ट्रल नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट तो ये कहा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये उसकी तरह क्लोरोप्लास्ट है ये भी एक साइनोबैक्टीरियम था जिसने सिम्बायोटिक रेजिडेंस रखी हुई थी नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट के अंदर तो बाद में ये उसके साथ मर्ज हो गया तो ये इससे जो ये मॉडर्न प्लांट सेल्स हैं वो इस तरह से इवॉल्व हुए हैं हेंस मोस्ट मॉडर्न आर जेनेटिक मॉन्ग्रल्स इन दैट दे साइमल्टेनियसली हैव न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रियल एंड इन केस ऑफ प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट लाइंस ऑफ डिसेंट तो अगर आप देखा जाए तो uh, उस जो मॉडर्न यू हैं ये uh, इनको जेनेटिक मोंग्रल्स कहते हैं मोंग्रल्स का मतलब है कि जिसकी अपनी कोई स्पेसिफिक ब्रीड ना हो ऐसा एनिमल जो डिफरेंट ब्रीड्स या टाइप से आया हो क्योंकि उनके अंदर देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया कहीं और से आया है अगर प्लांट्स में देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो उसकी लाइन ऑफ डिसेंट कोई और है तो इस तरह से जो मॉडर्न यूक्रियाटिक सेल्स हैं वो मतलब एक ब्रीड के नहीं है उन्हें आप कह सकते हैं कि दे कम फ्रॉम डिफरेंट मल्टीपल ब्रीड्स

जिनमें आप प्लांट और एनिमल सेल को देख सकते हैं और उसके अंदर आप किसी ऑर्गेनली को भी क्लिक करके तो उसका फंक्शन उसका नाम और उसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं ये बड़ी अच्छी एनिमेट एनिमेशन वाली वेबसाइट बनाई है इन लोगों ने तो लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद इनको चलाने के लिए आपको जावा वर्चुअल मशीन की भी जरूरत पड़े तो अगर ये वेबसाइट आपसे करेक्टली नहीं खुलती तो यू शुड कंसिडर इंस्टॉलिंग जावा ऑन योर कंप्यूटर और फिर ये आपके पास ओपन हो जाना चाहिए मोस्ट मॉडर्न ब्राउजर्स शुड बी एबल टू ओपन दीज वेबसाइट्स तो आप जरूर इन पर जाएँ और इन मॉडल्स को देखें बैक्टीरियल और जो प्लांट और एनिमल सेल के मॉडल्स जिसके ऊपर दिए हुए हैं वो बड़े अच्छे और इंफॉर्मेटिव हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड अल्लाह हाफज